जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो वो हाफ बिरयानी के लिए और उसकी दूसरी बहन वो छोटी चिकन चिल्ली के लिए, हाफ चिकन चिल्ली। वो कल उसने एक स्टोरी अपलोड की और ये भड़वे ने हाफ बिरयानी ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें बोल रहा है इसकी मां की छूत रे इसकी, तू तो रास्ते पे भोसड़ी के गिर गया है, तेरी को लाज शर्म तो कुछ नहीं है बड़वे, अभी तेरे बहन से करवा रही है ना। ये देखो पहले इसके बहन का वीडियो डाला है वो देखो उसने। हिंदुस्तानी जो भाव है ना, इसकी जो बेटी होगी ना, शायद वो मेरी उम्र की होगी, जिसको इसने इतने गंदे मैसेजेस और अश्लील फोटोज मांगे। बेटा मेरे को बेटी तो नहीं है, बेटा है मेरे को, पर बेटी रहती ना और तेरे जैसी रहती तो उसको खाने में जहर डाल के मार डालता मैं, समझा। जब तू मेरे को बाप की उम्र का बोलती है तो तूने मेरे को मैसेज क्या किया है ना, वो सच बता, मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। आगे सुनो क्या बोलती है। तू गाली खाना डिजर्व करती है या नहीं, ये अभी सब सबूत बताने के बाद ये लोग डिसाइड करेंगे। ये भोलापन का चेहरा है ना, तेरा नकाब अभी उतारूंगा मैं। सारी मेजर गर्ल्स को बोलूंगी कि इसकी जो नजर है ना, बहुत गंदी है, बहुत गंदी। मैंने कल इसको, मेरा फ्रेंड है दीपक कलाल, पिछले 5 साल से हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, एंड मैं कल उसकी लाइफ पे गई थी तो मैंने मस्ती मस्ती में बस उसको ओला ड्राइवर बोल दिया और मैंने बोला कि मैं इसको 5 लाख सैलरी, 50 लाख सैलरी देती हूँ। तो इसने उस बात को इतना ज्यादा फील कर लिया और उसने मुझे इतने गंदे गंदे मैसेजेस भेजे कर। बराबर दिखाया ना, तू लाइव पे नहीं आई, अभी असलियत बताता हूँ, असलियत बताता हूँ, असलियत बताता हूँ। ये उसका अकाउंट है azma.fala, ये उसका अकाउंट है और ये उसका मैसेज खोला मैंने, ये मैसेज खोला मैंने उसका। शुरुआत देखो क्या किया है उसने, पाकिस्तान को गाली क्यों देता है गांडू साले ड्राइवर शुरुआत। फिर मैंने उसको बोला सिर्फ एक बात बता, तू पाकिस्तानी है या नहीं, फिर तुझे बताता हूं क्यों गाली देता हूं, बराबर है ये दो चीज। फिर उसके बाद उसने लिखा पाकिस्तान में मेरे बहुत आशिक है मस्त वाले, लेकिन मैं इंडियन ईरानी हूं, इमरान खान मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए मुझे जलन होती है, मैं मुंबई आ रही हूं बहुत जल्द, पिकअप एंड ड्रॉप करो बेबी। तो मैंने नीचे लिखा ये देखो, तुझे शर्म नहीं आती एक हिंदुस्तानी होकर इतनी घटिया बात करती हो। तो उसने लिखा भाग बे चोदू, मेरे अंदर बहुत शर्म और हया है, तू क्या है ओला ड्राइवर उबेर ड्राइवर, तेरे अंदर कौन सी शर्म है, सबको लौड़ा देते रहता है। कितनी प्यारी बात करती है रे तू, अच्छे घर की लड़की है तू, अच्छी घर की लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती। फिर उसके आगे तूने आगे का डाला है ना बेटा, फिर मैंने उसमें डाला तू हिंदुस्तानी थी इसलिए इज्जत दे रहा था। फिर उसने क्या भेजा है देखो, ये पहले पिक भेज लौड़े की, इतना
शर्म कर, शर्म समझी क्या, शर्म कर। तेरे जैसी लड़कियों के वजह से ना, तेरे जैसे लड़कियों के वजह से ये हिंदुस्तान का नाम खराब होता है, और तेरे जैसे लड़कियों के वजह से कुछ ऐसे लड़के लोग भी है जो बिना वजह फंस जाते हैं, बिना वजह फंस जाते हैं तेरे जैसे लड़कियों के वजह से, समझा। जो बेचारे कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, मगर तुम्हारे जैसी लड़कियां इल्जाम लगा के जाती है ना पुलिस स्टेशन के अंदर, तब उनकी जिंदगी बर्बाद होती है तू तेरे जैसी लड़की के वजह से, समझी। और सुन तूने आगे क्या बोला है, एक बाप की औलाद है तो पूरा करो तुम लोग दोनों ये, अगर नहीं किया तो भोसड़ी वाले जान दो किधर जाके अपनी मां चुदाओ। आगे बोल। मैं मेरे ये मैसेजेस सारे मैं स्टोरी पे अपलोड करूंगी, आप लोग सब देखना और बताना क्या मैं डिजर्व करती हूँ ये जो मैं इनको इतनी गंदी गाली पड़वा रहा है और खुद इतनी गंदी गंदी गाली दे रहा है और मुझसे अश्लील फोटोज मांग रहा है। आई डोंट थिंक सो मैं डिजर्व करती हूँ, क्योंकि मैंने बस छोटा सा मजाक किया और उसने मेरे को इतना ज्यादा जलील किया। गाइस प्लीज आप समझो इस बात को, और ये हिंदुस्तानी भाव तू मुझसे माफी मांगेगा मुझसे और दीपक कलाल से, और वीडियो भेजेगा, सिर्फ 2 दिन का टाइम है तेरे पास, वरना तेरी ऐसी बजाएंगे तुझे जेल में चक्की ना पिसवाएंगे। तू तेरे जितने भी और भोसड़ी वाले हैं वो 2 दीपक कलाल हाफ बिरयानी, तुम लोग ने 2 दिन का टाइम दिया है, अगर नहीं किए तुम्हारी इज्जत की मां चूत जाएगी। जल्दी जाके मेरे नाम का कंप्लेन करो, समझा, वरना मैं तुम लोग की गांड मार दूंगा, समझा। गलत मर्द के हाथ चढ़ी तू, समझा। तेरे को क्या लगा पिकअप ड्रॉप कर फंसाने का कोशिश, अरे तेरी मां की चुत में खुश है मेरे फैमिली के साथ, समझा। तेरे जैसे रंडियों को बहन चो आजू बाजू खड़ा भी नहीं करता है मैं। हाँ आज ये वीडियो बनाने का यही कारण था कि तेरी जैसी रंडिया, तेरे जैसी रंडिया है ना, इनके वजह से यहाँ के हिंदुस्तान के अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लड़के लोग ना फंसते, तेरे जैसी रंडियों के वजह से। और तेरे जैसी रंडियों के वजह से जो लड़कियों ने कभी गलत नहीं किया उन लोग भी फंसते हैं, समझा। तो मेरे हिंदुस्तान के सारे बहन बेटियों को बोलता हो ऐसे लड़कियों से दूर रहो, और इसको जवाब दो, जवाब दो इस साली को, आज इसने भाऊ को फंसाने का कोशिश किया तुम्हारे, कल तुम्हारे को तुम्हारे भाई को फंसाने का कोशिश करेगी, गांड मारो इसकी मादर चोत की, भेड़ चोत साली। और ये भड़वे हाफ बिरयानी जल्दी आ, तेरा बाप इधर इंतजार कर रहा है तेरी मां चोदने के लिए, भड़वा।